मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। तो आज हम अपोजिट वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, आज जानते हैं हम अपोजिट वर्ड्स के बारे में कि जैसे हम देखते हैं हमेशा कोई बहुत बड़ी चीज होती है, कोई छोटी होती है, बड़ा छोटा, ये आपस में दोनों अपोजिट्स हैं। अब इनको हम इंग्लिश में कैसे देखते हैं अपोजिट वर्ड्स को, तो आज वो जानते हैं। तो बच्चों, जैसे आप सभी गर्म दूध पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, तो हॉट, हॉट, टी इज हॉट। जैसे चाय पीते हैं हम, गर्म चाय पीते हैं ना बच्चों सभी चाय, हाँ, तो कैसी होती चाय, हॉट होती। तो हॉट और हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड। हॉट का अपोजिट क्या होएगा, कोल्ड। सभी बच्चे आइसक्रीम खाते हैं ना, बड़े चाव से खाते हो आप सभी, तो आइसक्रीम कैसी होती है, बिल्कुल कोल्ड होती है। तो हॉट का अपोजिट हुआ हमारा कोल्ड, हॉट कोल्ड, हॉट अपोजिट कोल्ड, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड। और ऐसे ही बच्चों हम आगे देखते हैं, ये कैसा कलर है इसका, क्रो का ब्लैक कलर है ना, देखा है सभी ने क्रो, हाँ, तो क्रो का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। और ब्लैक का अपोजिट क्या होएगा, ब्लैक का अपोजिट होएगा व्हाइट। रैबिट देखा ना आप सभी ने, तो उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। तो ब्लैक का अपोजिट हुआ व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। तो ऐसे ही सफेद और काला हुआ। अब हम देखो, घर पे देखा बच्चों आप सभी ने, घर पे जो कैट रहती है बड़ी शैतान होती है, वो कभी टेबल पे चढ़ जाएगी, कभी बेड पे, कभी ऊपर, कभी नीचे। ऐसे ही ये देखो बच्चों, क्या है, ये कैट है और ये टेबल के ऊपर बैठी हुई है। तो ये हुआ ओवर द टेबल, ओवर मींस ऊपर, किसी चीज के ऊपर होना। और अब ये कैट कि इसने क्या किया, अब ये कहाँ है, टेबल के नीचे, और इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर। तो ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, अभी कैट टेबल के नीचे आ गई ना, अंडर द टेबल। ओवर इसका अपोजिट हुआ अंडर, ओवर अंडर, ओवर अंडर, ओवर का अपोजिट वर्ड क्या हुआ, अंडर। और ऐसे ही बच्चों हम चीजें देखते हैं कुछ तो चीजें, और कुछ जो एलिफेंट्स है, जैसे बहुत बड़े बड़े हमारे ये एनिमल्स होते हैं, जैसे सभी ने एलिफेंट देखा हुआ है ना, बहुत बड़ा होता है, इट्स वेरी बिग, तो बड़ा होता है बिग। तो हाथी देखा सभी ने, एलिफेंट को देखा हुआ ना, तो बहुत बड़ा होता है। और घर पे रैट भी घूमता है, देखा चूहा सभी ने रैट, तो रैट बिल्कुल स्मॉल होता है। अगर हम बात करते हैं, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग का अपोजिट क्या हुआ, स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग का अपोजिट स्मॉल। तो ऐसे ही डे एंड नाइट है हमारे, डे का अपोजिट हमारा नाइट होता है। तो बच्चों, तो आप सुबह जब उठते हो, तो जब सन राइज होता है तभी उठते हैं ना आप, सनराइज के टाइम ही, तभी डे होता है। और जब सन सेट हो जाता है तब क्या हो जाता है, तब नाइट होती है। स्काई में क्या होता है उस टाइम, जब हम देखते हैं तो स्काई में उस टाइम चांद और तारे दिखाई देते हैं, और जब स्काई में सन दिखाई देता है तो उस टाइम क्या होता है, डे, और जब चांद और तारे दिखाई देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, नाइट। तो डे का अपोजिट क्या हुआ, नाइट, डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट, डे का अपोजिट नाइट। और ऐसे ही एक वर्ड और हम सीखते हैं, पुल और पुश। पुल, बच्चों आपने देखा होगा कई बार हम किसी चीज को जब
खींच रहे होते हैं। ये देखो यहां दिखाई दे रहा ना, ये पर्सन इसको जो गाड़ी है कार्ट है इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है। और कई बार आपने देखा भी होगा जब कई बार भारी चीज होती है कोई, तो एक जो व्यक्ति होता है किसी कार्ट को खींचने में बड़ी उसको असुविधा होती है, पुल करने में बड़ी दिक्कत आती है उसको, तो आपने देखा होगा दूसरा उसकी सहायता करते हुए। तो जब आगे से किसी चीज को हम पुल करते हैं दैट इज पुल, और अगर दूसरा बंदा उसकी सहायता के लिए कई बार आपने देखा ना पीछे से धक्का लगाता है तो उसको हम कहते हैं पुश करना। दिस इज पुल पुश, पुल पुश, पुल का अपोजिट क्या हुआ पुश, पुल पुश। तो ये देखो पुल पुश, ये आगे से जो बंदा इसको पुल कर रहा है दिस इज पुल, एंड पीछे से इसको सहारा देना धकेलना दिस इज पुश, पुल पुश। पर तो बच्चों एक बार फिर वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स जो हमने आज लर्न किए हैं उनको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, हॉट का अपोजिट क्या हुआ कोल्ड। ऐसे ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक का अपोजिट व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। ऐसे ही बिग का अपोजिट क्या हुआ स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। ऐसे ही हमने कैट को देखा था ओवर अंडर, ओवर का अपोजिट अंडर, ओवर अंडर। ऐसे ही हमने बच्चों दिन और रात की बात की थी डे एंड नाइट की, डे डे का अपोजिट नाइट, डे नाइट, डे नाइट। डे में हम सारे काम करते हैं और नाइट को हम क्या करते हैं रेस्ट करते हैं सो जाते हैं। डे में क्या रहेगा सनराइज होगा और नाइट में क्या रहेगा मून एंड स्टार्स रहेंगे। और लास्ट में हम जिक्र करते हैं पुल पुश, पुल पुश, पुल का अपोजिट हुआ पुश। ये देखो ये आगे से जो ये पुल कर रहा है और ये पुश कर रहा है, पुल पुश, पुल पुश। तो बच्चों आज आपको अपोजिट वर्ड्स लर्न कर लिए हैं, इनको दोबारा से रिवाइज करना है और अच्छे से इनको ध्यान रखना है। थैंक यू।